अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। आप देख रहे हैं ऑफिशियली नया पाकिस्तान। दोस्तों, इस्लामाबाद में बहुत ही मौसम खुशगवार है और इसी खुशगवार मौसम में आपके साथ कुछ अहम और इंतहाई दिलचस्प खबरें भी शेयर करने जा रहा हूँ। इस वक्त बहुत बारिश हो रही है और कोई बहुत ज़बरदस्त खबरें भी मिली है इसी बारिश के दौरान कि डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। वो किस तरह दर्द सर बना हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हुकूमत बहुत कुछ करना चाहती है, जिस मकसद के लिए हुकूमत आई है। पहली बात यह है कि पीटीआई को आउट करना, वो तो उन्होंने कर दिया। इमरान खान हुकूमत से बाहर हो गए, सड़कों पे आ गए। अब उनका अगला टारगेट जो है वो उनको पता चल गया, क्योंकि मैं भी पीटीआई का कारकुन हूँ और अगर इमरान खान को ये अपोजिशन इसी तरह 5 साल पूरे करने दे देती तो आप यकीन जाने कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो उन्होंने गलती उसकी नहीं थी, ओवरऑल अल्लाह ताला की तरफ से आया, कोरोना आया, महंगाई की लहर पूरी दुनिया में, लेकिन हम पाकिस्तानी जो है हम बहुत ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं रखते। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं कि भाई हाँ क्यों नहीं हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा, इस चीज़ को नहीं देखते कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है। तो उस सिचुएशन की वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका ग्राफ बहुत नीचे जा रहा था। इसी वजह से जो उनके मुनहरफ अरकान हैं उन्होंने भी तो इसी वजह से इसको छोड़ दिया कि चलो पैसे भी मिल रहे हैं तो वैसे भी आगे इमरान खान का जो टिकट है उसने तो नहीं बिकना। लेकिन फिर अल्लाह ताला का करना था कि जब इमरान खान साहब को इस साजिश के तहत निकाला, कौम की गैरत जागी, कौम जो है महंगाई को भूल गई। अब चूंकि महंगाई थी तो नहीं इमरान खान की वजह से महंगाई, अब आप देखेंगे जो आने वाले दिन हैं कि अब नून लीग के जो वज़रा हैं वो खुद महंगाई की वकालत कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि मुफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता होने की वजह से गरीबों के ऊपर बोझ पड़ रहा है। पहले कह रहे थे कि पेट्रोल सस्ता होने की वजह से गरीब मर गया, अब कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता होने की वजह से बोझ गरीबों के ऊपर पड़ रहा है। तो इसी में जो मेन बात मैं करने वाला हूँ वो यह है कि अब हुकूमत का जो मेन काम, जो मेन मकसद है उसकी, वो यह है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को स्केल से आउट किया जाए, क्योंकि उनको साफ नज़र आ रहा है माफ़ कीजिएगा क्या आइंदा जो इलेक्शन होने वाले हैं इसमें तो पीटीआई टो थर्ड मेजॉरिटी से भी ज़्यादा सीटें हासिल कर लेगी। इसके लिए उसने इलेक्शन की कवानीन में जो है वो रद्द बदल करना है, तब्दीली करनी है। उसके लिए वो कौमी असम्बली से तो पास करेंगे, क्योंकि कौमी असम्बली में तो पीटीआई का कोई रुकन ही नहीं है। लेकिन आखिर में फिर ये जाएगा सेनेट में, वहाँ से भी पास कर लेंगे। लेकिन आखिरी स्टैंप लगाना किसने है, वो लगाना है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने। अब उसके लिए माफ़ कीजिएगा, बुने हुए चने खा लिए। अब उसके लिए पूरी की पूरी हुकूमत जो है सर तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरह डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को हटाया जाए और फिर मर्जी के कानून जो है वो लागू किया जाए। लेकिन वो ज़बरदस्ती तो उसको हटा नहीं सकते, अग्रबान से पकड़ के उसको हटा दे कि भाई जाएं आप, अभी आप सदर नहीं है, नहीं, उसको बाकायदा एक कानून के तहत उनको हटाना होगा। कानून क्या है, कानून ये है कि कौमी असम्बली में टोटल जो मेंबरान की तादाद होती है वो है 342, 342
अब 342 में से टोटल 197 रह गए, क्योंकि पीटीआई वाले तो निकल गए, 197 रह गए मुनहरिफ अराकीन को शामिल करके। अगरचे उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है, वो भी डिसीट हो सकते हैं, लेकिन उनको शामिल करके टोटल तादाद कितनी है, 197 ये कुमी असेंबली में, जबकि सेनेट के टोटल होते हैं 100 या 102, 103 इस तरह सेनेट की तादाद होती है मेंबरान की। अब ये टोटल कुल मिलाकर 100 जमा 342, ये 442 बनते हैं। अब 442 में सदर साहब को हटाने के लिए कितनी तादाद चाहिए हुकूमत को कि सदर साहब को हटाए, टू थर्ड मेजॉरिटी जो है वो 442 की बनती है, टोटल 297। अब इनके पास टोटल तादाद कितनी है, मुनहरिफ अराकीन को शामिल करके 197 और सेनेट में 74 जो हुकूमत के पास है, इन सब को मिलाकर भी इनके पास फिर भी 40 से 42 मेंबरान जो है वो कम पड़ते हैं। इसका मतलब है कि सदर साहब को हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब ये क्या रोड़े अटका सकते हैं, इस पे मैं आता हूँ। यहाँ से जो बिल पास होगा कौमी असेंबली से, वो जाएगा सेनेट में, वहाँ से पास होगा, उसके बाद जाके जाएगा सदर साहब के पास। पहले तो ये कानून बनाते बनाते 10-11 दिन तो असेंबली में ही लगने हैं, फिर 2-3 दिन इसको सेनेट से ही लग जाएंगे, ये टोटल हो गए 10-12 से 15 दिन, फिर जाके ये सदर साहब के पास जाएगा, उसकी मर्ज़ी है, वो कह दे भाई मेरे सर में दर्द है आज मैं नहीं कर सकता, वापस कर दे। 15 दिन यहाँ पे कानूनी तौर पर लग सकते हैं, कितने दिन, 15 दिन, 15 जमा 15, 30 दिन तो ये लग गए। अच्छा, फिर दोबारा जाके फिर ये सदर साहब के पास जाएगा कि भाई ये कानून हमने पास किया, इसको आप देख ले, पास कर दे। सदर साहब के पास फिर अख्तियार है कि इसको वापस कर दे, कितने दिनों का, 10 दिनों का मजीद अख्तियार है सदर साहब के पास कि यह वापस कर दे कि भाई आज मेरा मूड नहीं है। 10 और 30, 40 दिन हो गए, इतने दिनों में तरीके इंसाफ ने भी सड़कों पे निकलना है, और बहुत बड़ी तादाद में, जो कि किसी भी सूरत जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है, इस ऐसी तादाद में तरीके इंसाफ ने सड़कों पे निकलना है। तो यानी इसका साफ सुथरा मतलब यह है कि हुकूमत तो बन गई, इमरान खान को तो हटा लिया, अमेरिकी साजिश भी कामयाब हो गई, लेकिन अब आगे करना क्या है, जो ये सारे के सारे डाकू माफिया कबीना में 26 टोटल 32-34 अरकान ने हलफ लिए हैं, उसमें 26 अरकान ऐसे हैं बशमूल वज़ीर आज़म के जो बेल पर हैं, ज़मानत पर हैं अदालतों से। अब इन सब ने जो बंदर बांट करनी थी, जिसके लिए ये आए थे, वो काम इनका ना हो रहा है और इंशाल्लाह ना हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो ही मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।